डीडी एकेडमी की तरफ से आप सभी का स्वागत है। कोरोना पर खबर जो है 7 अप्रैल की सुबह 8 बजे के, चलिए फटाफट एक नजर देखते हैं। तो पहला जो खबर है वो सरकार की तरफ से, सरकार के हिसाब से आज जो है जो कोरोना ग्रस्त है 3851 है, 318 लोगों की रोग मुक्ति हो चुकी है, 111 लोगों की मौत हो चुकी है और एक जन जो है देश के बाहर जा चुके हैं। ये सरकार का कहना है, जबकि वर्ल्डोमीटर का कहना है कि ये गलत, इसमें वो उन्होंने फेर बदल किया है। उनका कहना है कि कोरोना वायरस के टोटल केस जो है 4778 है, मौत 136 हुई है और जो है रिकवर 375 जन हुए हैं। तो एक तरह से देखा जाए कि दोनों की रिपोर्ट में कोई गलती नहीं है, कि दोनों का सोर्स एक ही होता है, केवल वक्त का डिफरेंस होता है। फिर इन्होंने कोरोना वायरस केसेस का है, कोरोना वायरस केसेस का और एक्टिव केसेस में जो अंतर है, जो कल मैंने भी बोला था एक बार फिर से बोल देना चाहूंगा, कोरोना वायरस केसेस का मतलब होता है टोटल एक्टिव केस, कितने कोरोना से ग्रस्त हैं, कितने लोग ठीक हो चुके हैं और कितने लोगों की मौत हो चुकी है। अर्थात कोरोना वायरस केसेस जो है 4281 है, अगर सरकार की इस फिगर को हम मान लेते हैं, मतलब सही मानते हैं, तो फिर ये हम देखते हैं कि ये फिगर आता है 3851 प्लस 318 प्लस 112। तो कहने का मतलब है कि अभी भी जो है 497 500 केसेस के दोनों के फिगर में जो अंतर है वो अंतर केवल समय का है। सरकार की फिगर जो है वो 18 घंटा पीछे से आती है, मोटा मोटी एक अंदाज की तरह हम कहते हैं, जिसके लिए डिफरेंस होती है, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो हम ये पकड़ सकते हैं कि 4800 के करीब जो है आज सुबह कोरोना वायरस के केसेस हैं, जिसमें एक्टिव केसेस जो हैं वो 3900 के करीब है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो वही कोरोना वायरस के फिर से देख लेते हैं 4778, तो कल जो था 4288 था, तो एक दिन में 490 केस, कल 600 केसेस थे, आज एक दिन में 490 केसेस, तो नंबर ऑफ केसेस थोड़ा कम हुआ है। और डेथ जो है कल 117 था, आज 136 है, तो मतलब है कि मौत की संख्या में भी गिरावट आई है, 19 है, और रिकवरी की संख्या जो 375 आज है, कल 328 थी, तो मतलब इसमें जो है रिकवरी 47 है, तो रिकवरी की संख्या में थोड़ी वृद्धि हुई है। तो अगर सब कुछ मिलाकर बोला जाए तो आज का दिन जो है भारत के लिए सही है, काहे कि जो रिपोर्ट्स हैं वो सही दिख रहे हैं, मतलब उत्साह दे रहे हैं कि रोग धीरे धीरे कम हो रही है, स्थिति जो भी हो। और 511 केसेस क्लोज हो चुके हैं, जिसमें जैसे बोला 375 लोगों की 73% लोग एकदम सही हो चुके हैं और 136 लोग या 100 में 27 लोग की संपूर्णतः मृत्यु हो चुकी है। अब चलिए हम राज्यों की स्थिति देखते हैं। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रहा है, 120 केस एक दिन में हुए हैं, ओके आज 868 है। तमिलनाडु उससे कम है, तमिलनाडु में केवल 50 केसेस आके 621 हुआ है। दिल्ली में इससे भी कम है, 22 केसेस खाली बढ़े हैं, 525 हुआ है। तेलंगाना में 30 केसेस बढ़ के 364 हुआ है। तो ये जो हमारे पास जो केसेस के रहे, केरला केवल 13 केस बढ़े हैं और केरला 327 हुआ है। तो हम एक चीज देख सकते हैं कि दूसरे राज्यों में भी संख्याएं उतनी नहीं बढ़ रही है, महाराष्ट्र कंट्रोल के बाहर है, ये एक ध्यान देने वाली स्थिति अवश्य है। अब हम आगे बढ़ते हैं, पूरे विश्व को एक नजर से देखते हैं। कोरोना वायरस के केसेस जो कल तक, आज जो है सुबह तक है 13,46,036, जब कल जो था 12,73,709, तो इसलिए हम बोल सकते हैं 72,327 केसेस बढ़े हैं। मृत्यु में जो है आज 74,654 है, कल 69,456 था, तो मृत्यु में 5,198 पूरे विश्व में केस बढ़े हैं, जो कल से हर दिन ये घटते हुए जा रहे हैं, घटते हुए फिगर हैं, पहले 6,000 थे या 5,000, 5,200 के करीब पहुंच चुके हैं। रिकवरी जो क्या कहते हैं रोग मुक्ति की केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, कल 14,000 थे आज 16,000 हो चुके हैं। तो ये काफी विश्व के अगर पटल पे देखा जाए तो काफी सही स्थितियां आ रही है। लेकिन अगर अमेरिका की बात हम करते हैं, अमेरिका में अभी भी जो है आपके नए केसेस 30,331 है, मृत्यु दर भी 1255 है। इसका कारण जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रति 10 लाख जो इनकी टेस्टिंग क्या है 5,784,
अमेरिका में सारी चीजें जो है ना देर से शुरू हुआ, जिसका नतीजा अमेरिका भोग रहा है। अगर मैं बोलूं, मैं अपने पर्सनल विचार बोलूं, तो ये काम हुआ है केवल मिस्टर ट्रंप के चलते। उनकी बरबोलापन, उनका शेखी बगाड़ना अब अमेरिका को भारी पड़ रहा है। और इतने जो 10,871 लोग, आज किसी भी राजनेता को कोई पूछने का हक नहीं रखता है, लेकिन एक बात तो है, ये लाशें अगर ट्रंप से पूछे कि किसके चलते इतनी मौत हुई, क्या जवाब देगा ट्रंप? है कोई जवाब? अब एक अच्छी चीज हमारे पास भी हम देख लेते हैं, हम पांचवी अर्थनीति अपने को बोलते हैं। देखिए, प्रति 10 लाख पे कल भी मैंने पॉइंट आउट किया था कि कितने लोगों की टेस्ट हुआ है। देख लीजिए, यहां पे इंडिया और पाकिस्तान है, और अच्छी बात है कि पाकिस्तान भी हमसे ज्यादा है। हम गौमूत्र से ही सब कुछ कर लेते हैं पूरे विश्व में, हमारी शक्ति इतनी है, ठीक है ना? कहर अभी शुरू नहीं हुआ है, बस इतना ही बोलूंगा मैं। और अभी भी जो स्थितियां हैं उसको जरा एक नजर देखते हैं तो कुछ बातें और भी निकल के आती हैं। ये जो टेस्ट की बात हमने कहा, हमने अभी 1 लाख कुछ टेस्ट किया हुआ है, हम क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हमारे पास रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट जो है वो नहीं है। हमने 5 लाख किट का ऑर्डर दिया था, पहले तो 8 लाख की खबर आई, बाद में कल जो मिस्टर लव अग्रवाल ने उसको ये किया कि नहीं 5 लाख किट किया है, जिसमें 2 लाख किट जो है नेक्स्ट 4 दिन में मिल जाएंगे, बाद बाकी के 3 लाख किट जो है 1 महीने के बाद मिलेंगे। ये आएगी तब हमारी टेस्ट शुरू होगी। उसी तरह अगर देखा जाए, रूटर की जो पब्लिश हुई है कि एक्यूट शॉर्टेज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्शन गियर्स, मतलब डॉक्टर के ग्लव्स, डॉक्टर के मास्क या स्वास्थ्य कर्मी के मास्क, ये सब कुछ है ही नहीं है। रूटर का ये खबर 30 मार्च को निकला हुआ था, उनमें उन्होंने एक फोटो दिया हुआ था कि एक डॉक्टर कुछ नहीं मिला तो बरसाती पहन के, एक डॉक्टर को सेकेंड लेयर का मतलब उनकी जो क्या कहते हैं मास्क होता है, मास्क के ऊपर भी एक लेयर डाला जाता है, वो नहीं मिलने के बाद उन्होंने अपने गाड़ी का हेलमेट, मोटरसाइकिल का हेलमेट लगा लिया। ये तो हालत है। तो मेरा एक कहना भी है कि हम देश की जनता को बताया गया, हमने मोमबत्ती लगा जला कर, तो हमने तो ये कोरोना से लड़ने वाले हर जो योद्धा हैं, जो डॉक्टर हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनको अपनी शुभकामना दिया, सरकार कब देगी? बस एक छोटा सा सवाल है, क्योंकि 30 जनवरी को हमारा पहला केस आया था, तो अगर हम ठीक से देखें तो 3 महीने तक गुजर चुका है, साल का 1/4 भाग निकल चुका है, और मैं ही शायद रिपोर्ट कर रहा हूं 1 महीना हो गया। तो मैं चेत गया, जो सबसे आम आदमी है, सरकार को चेतने में इतना देर क्यों लग रहा है? और एक बात एक और भी है, विश्व की जो काबिल सरकारें बोलते हैं, जिसकी हम आलोचना करते हैं, वो काबिल सरकारों ने GDP का 7% से 10% कोरोना राहत में खर्च कर रहे हैं। हमारी सरकार के बारे में क्यों क्या बोले? कल की जो मीटिंग हुई, सबने सोचा था कि एक नेशनल पैकेज का घोषणा होगा। अल्टीमेटली भारत के सब बड़े अर्थशास्त्रियों ने बोला कि ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा देर हो जाए। अभी तक जो ऐलान किया गया है वो GDP का 0.5% है। तो बस एक सवाल उठता है कि हम अगर ये देरी करते हैं, ये तो ऊपर वाले का करिश्मा है, ऊपर वाले की करिश्मा कि जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है इससे, लेकिन अपने का सेखी बघाड़ने का कुछ नहीं है। ये तो बार बार साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि हमारी 2 आदत हमें बचा के रखा है। वो 2 आदत क्या है? हम अदाब करते हैं या प्रणाम करते हैं, हैंडशेक नहीं करते, हम गले कम मिलते हैं। ये 2 आपके यूरोपियन और बुद्ध में जब बहुत ज्यादा होता है, जिसके लिए ये बीमारियां वहां उतनी तेजी से फैली, हमारी यहां नहीं फैली। लेकिन ये पहला फेज है, सेकेंड फेज में तो हम भी जा रहे हैं, उस वक्त क्या होगा अगर नहीं संभले? तो हमने तो पाकिस्तान से भी बदतर हमने अपनी अवस्था बना के रखा है, तो फिर हम क्या करेंगे? तो आज यहीं पर मैं समाप्त करूंगा इन बातों के साथ। जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल बटन नहीं दबाया है, उनसे मेरा आग्रह है उसे जरूर करें। और इन छोटे छोटे बातों को लेके जब हम घर पे बैठे हुए हैं,
हमें एक चीज को समझना है कि अगर इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, बस एक इलाज है, घर के अंदर खुद को बंद रखो और जो सरकारी एहतियात है उसे बरतो। अगर आप बचेंगे, क्योंकि आपको केवल आप ही बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।